नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटेल एनएसटी। वामन मिश्राम के अनुसार चुनाव आयोग ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा के पार चल रहा है। 1,00,000 लोगों का मोर्चा 31 जनवरी को करने जा रहे हैं। यह विरोध 4 चरणों में पूरे भारत में किया जाएगा। प्रथम चरण में 5 जनवरी 2024 567 जिलों के जिला अधिकारियों को ज्ञापन देना है। 10 जनवरी 567 जिलों के जिला अधिकारी को बैठकर धरना देना है। 14 जनवरी जिला अधिकारी के कार्यालय में रैली प्रदर्शन करना है। 31 जनवरी को चौथा चरण का समापन करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है। चुनाव आयोग पर हमारा यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग के विरोध में 1,00,000 लोगों का मोर्चा हम लोग 31 जनवरी को देखे जा रहे हैं, और सारे देश भर में चार चरणों का ये विरोध प्रदर्शन सारे देश भर में कर रहे हैं। पहला चरण 5 जनवरी 2024 को 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन देना सारे देश भर में, हमारा सारे देश भर में जो संगठन है उसके द्वारा 5 जनवरी 2024 को, 10 जनवरी 2024 को 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठकर 11 बजे से शाम को 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करना, दिन भर 11 बजे से 5 बजे तक। तीसरा चरण होगा 14 जनवरी 567 जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर रैली प्रदर्शन, महापुरुषों के पुतले के पास इकट्ठा होंगे और चलकर जिलाधिकारी कार्यालय में हम लोग जाएंगे हजारों की संख्या में, और सारे देश भर में जाएंगे। जहां संभव हो वहां तहसील में भी जाएंगे। और चौथा चरण है 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली पर महामोर्चा लेकर जाएंगे। ये 4 चरणों का कार्यक्रम है। चुनाव ईवीएम मशीन लाने का श्रेय कांग्रेस को है। अभी 3 राज्यों के चुनाव में विधानसभा के कांग्रेस चुनाव हार गई, उसकी मूल वजह ईवीएम मशीन है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है, ईवीएम से हार जाएगा। इंडिया गठबंधन के लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन में उतरना चाहिए। वो केवल बयान दे रहे हैं या चुनाव आयोग को निवेदन दे रहे हैं। विरोधी पार्टी का जो रवैया है वो रवैया सही तरीके का रवैया नहीं है। ईवीएम लाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने ईवीएम मशीन का फायदा भी उठाया। 2004-2009 को ईवीएम का घोटाला 2004 में भी हुआ, 2009 में हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में लिखा। कृष्णानी प्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है। तो ये कहना कि केवल बीजेपी वाले ही ईवीएम मशीन का मिसयूज कर रहे हैं, ये गलत बात है। अगर आज के तारीख में कांग्रेस के लोग मैदान में नहीं उतरते हैं तो क्यों नहीं उतरे? आज सारे देश भर में ईवीएम मशीन का फायदा या तो कांग्रेस को हो रहा है या तो बीजेपी को हो रहा है।